राधे राधे। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज विजय एकादशी है। सनातन धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 6 मार्च को विजय एकादशी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं विजय एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। मित्रों, एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 6:30 पर होगी और 7 मार्च को सुबह 4:13 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 6 मार्च 2024 को विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा विधि की बात कर लें। विजय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, सूर्यदेव को जल अर्घ दें और मंदिर साफ करें। इसके बाद एक छोटी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। अब इस पर विष्णु जी की प्रतिमा अर्पित करें। विष्णु जी को फल, फूल, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। फिर सभी देवी देवताओं के साथ उनकी आरती उतारें। विष्णु जी के मंत्रों और विष्णु चालीसा का पाठ करें। उन्हें पंचामृत में तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों में प्रसाद बांटें और स्वयं भी खाएं। और एक विशेष बात यह है कि जो एकादशी का महात्म्य है वो अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है और आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपका कार्य हो जाएगा। वीडियो में आप कथा सुन लेंगे तो फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो कथा सुन के आप पूजा कर सकते हैं। अब सुनाते हैं आपको फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का महात्म्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सूर्यश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता का हरण कर लिया। उस दुख में श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहाँ से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालव्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए।
लक्ष्मण की अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदाल से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि वे पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्रह्मन आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बगदाल ने कहा, श्री राम फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें, वह सोने चांदी तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्ण में विग्रह की स्थापना करे। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करे, कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करे। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करे। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जव रखे। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करे तथा रात में भी वहां जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथ पतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बोलिए राधा रानी की जय, कन्हैया लाल की जय, सीताराम भगवान की जय, श्रीमन नारायण सद्गुरुदेव भगवान की जय।